शिवानी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 weeks दैट आई हैवंट पोस्टेड एनी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल बिकॉज आई नीडेड अ शॉर्ट ब्रेक एंड हियर आई एम बैक विथ अनदर फन DIY वीडियो। इन माय प्रीवियस वीडियो आई डिड शो यू ऑल हाउ टू मेक हेयर स्क्रंची फ्रॉम माय ओल्ड क्लोथ्स। So in today's video, I have used the leftover fabrics of those clothes and I have made 2 types of headbands which really turned out to be good and it looks similar like the ones we get in local market. So without much blabbering, let's get into the video. इस DIY के लिए मैंने यूज की हूँ कुछ पुराने कपड़े, नीडल एंड थ्रेड, लास्टिक, मार्कर और स्केल। पहले हेडबैंड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रिंटेड पीजे। स्केल और मार्कर के हेल्प से मैं मेजरमेंट मार्क कर लूँगी। फैब्रिक का मेजरमेंट मैंने वीडियो में मेंशन किया और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया। दोनों ही फैब्रिक्स के राइट साइड को इनवर्ट डायरेक्शन में फोल्ड करके मैं उसके एजेस को स्टिच कर लूँगी। आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सेफ्टी पिन के हेल्प से मैं फैब्रिक को रिवर्स कर लूँगी। दोनों ही फैब्रिक्स बहुत इजीली रिवर्स हो चुके हैं। छोटे फैब्रिक में अब मैं इलास्टिक ऐड कर रही हूँ। फैब्रिक में थोड़ा सा स्क्रंच ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे इलास्टिक को दोनों ही एंड्स पे रख के स्टिचिंग प्रोसेस से सिक्योर कर लूँगी। दूसरे फैब्रिक के दोनों ही एंड्स को मैं इनवर्ट डायरेक्शन में फोल्ड कर रही हूँ ताकि जो फैब्रिक के रफ कटिंग्स है वो दिखे ना। यहाँ मैंने इलास्टिक वाले फैब्रिक को लॉन्ग फैब्रिक में इंसर्ट करके कुछ इस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग प्रोसेस से सिक्योर की हूँ। नॉर्मल हैंड स्टिचिंग से ही मैंने इन दोनों फैब्रिक्स को स्टिच की हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ दोनों ही फैब्रिक्स के एंड को एक साथ स्टिच कर लूँगी। तो दोनों ही फैब्रिक्स के एंड को सिक्योर करने के बाद रेडी है यहाँ पे मेरा फर्स्ट बेसिक हेडबैंड जो कि बहुत ही सिंपल था। सेकेंड हेडबैंड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्लॉथ पीस, मार्कर और स्केल। फैब्रिक्स के मेजरमेंट वीडियो में भी मेंशन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सभी फैब्रिक्स को मैं फोल्ड कर लूँगी और साथ ही साथ स्टिच भी कर लूँगी। फैब्रिक स्टिच हो चुके हैं, अब मैं इन फैब्रिक्स को रिवर्स करूँगी सेफ्टी पिन के हेल्प से। सबसे छोटे फैब्रिक में मैं ऐड कर रही हूँ इलास्टिक। इसे भी स्क्रंच देने के लिए मैं यहाँ पे इलास्टिक को फैब्रिक के एंड पे स्टिच कर लूँगी। दोनों ही फैब्रिक्स को मैं यहाँ आयरन कर रही हूँ। आगे का प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है फर्स्ट हेडबैंड जैसा।
तो रेडी है यहाँ पे मेरा सेकंड हेडबैंड जो कि बहुत ही इजी था और इस हेडबैंड को क्रिस क्रॉस हेडबैंड कहते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यॉल टू रीयूज योर ओल्ड क्लोथ्स इन सम और द अदर वे। सो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर न्यू टू माई चैनल and hit that bell icon so that you get notified every time I post a new video. So see you all in my next video. Till then, take care, be safe, bye.